देश में कोरोना वायरस से 4 और मरीजों ने तोड़ा दम। 27 राज्यों में 1251 लोग संक्रमित, 102 लोग हुए ठीक, 32 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा, राजधानी में सामने आए 25 नए केस, 97 हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा ऐलान, मरकज में शामिल हुए लोगों में से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव, 334 लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती, सरकार ने FIR दर्ज करने के दिए आदेश। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात से लौटे 194 लोगों की तेलंगाना सरकार ने की पहचान, कई और राज्यों में भी हो रही पहचान। मरकज मामले पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर हुए नाराज, ट्वीट कर जताई नाराजगी, गंभीर बोले लॉकडाउन को क्या मजाक समझ रखा है। कोरोना वायरस से तेलंगाना में 6 लोगों की मौत, निजामुद्दीन के जमात कार्यक्रम में शामिल हुए थे सभी 6 लोग, तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। कोरोना का कहर जारी, अंडमान में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव, 9 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज कार्यक्रम में हुए थे शामिल। यूपी में प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को तत्काल खोलने के आदेश, लॉकडाउन के कारण बंद है निजी अस्पताल, अस्पताल नहीं खोले तो होगी कार्रवाई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, 1191 मौतों के बाद इटली में कोरोना कंट्रोल से बाहर, 12 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, दुनिया भर में लाखों लोग संक्रमित।